तनवीर भाई इम्पोर्टेंट टॉक लंका प्रीमियर लीग मिस्टर उमर खान सर लाइव। दो तारीख जितने जितने लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, इन सबको एक अच्छा खासा आंसर मिलने अब ब्लोटो के लिए सर। दो अल्फाज ब्लोटो के लिए और सर। बुलेटो तो बेसिकली वैसे ही गेम चेंजर है जी। बुलेटो की तो खैर आपको पता है, बुलेटो तो एक ब्रांड है, लेकिन वी लव में भी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। और ये जो लोग एक्चुअली बाहर सारी बातें बताने वाली नहीं होती, सरप्राइज कंपनी अपने हिसाब से चल सर। हमें बिलीव है 100% अपनी इनोवेशन फैक्ट्री पर, और हम बता नहीं सकते कि हमें खुद से ज़्यादा इनोवेशन फैक्ट्री पर बिलीव है। तो जो आप करते हैं जो भी आप करते हैं उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसे सर माथे पर रखते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कंपनी की पॉलिसीज के साथ स्टैंड करें, सबर किया करें, और आपको उसका जब रिजल्ट मिलता है, हमेशा ही मिलता है, वो आपको बड़े ही मिलता है। तो अगर वक्ती तौर पे कोई दिक्कत नज़र आ रही हो, कोई लग रहा हो कि यार कंपनी ने सही नहीं किया, तो इसका अल्टीमेटली बेनिफिट आगे जाते होता ही है। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी हम जितने भी लोग आप जितनी भी कम्युनिटी है वो करंट सोच रही होती है, लेकिन कंपनी 6 महीने साल बाद की प्लानिंग के हिसाब से सारी स्ट्रेटजीज कर रही होती है। तो इस चीज़ को गौर करना चाहिए। तो सर आज मेरी जो है तकरीबन 20K+ टीम है, और मैं इरशाद भाई के साथ मिलकर काम करता हूँ, तो हम दोनों की मिलकर जो टीम है वो 40K है, और स्टेकिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी टीम में मतलब 1% लोग भी नहीं है जो कि शिकायत करते हों इस चीज़ को लेकर के भाई अभी तक ये चीज़ें नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। शिकायत तो एक्चुअली बीलर में किसी की बनती नहीं है, हर बंदा तो अपनी एक्चुअल अमाउंट से कई गुना ज़्यादा निकाल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसकी शिकायत किस बिल्कुल इस बात पे शिकायत है कि प्रॉफिट कम आ रहा है। सर यही शिकायत है कि पैसा रखे कहाँ पर। तो हम लोग बहुत खुश हैं आपके साथ आकर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको लंबी सेहत और उम्र के साथ दे, आमीन। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने हुए हैं। थैंक यू सो मच जी। अगर इनोवेशन फैक्ट्री की पॉलिसी स्ट्रेटजीज अनाउंस करते साथ ही समझ आ जाए, तो फिर वो बात कहाँ जाएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, समझ में नहीं आती है। यस यस बिल्कुल, पूरा 100% सबर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उमर अल्लाह ताला आपको और भी बड़े बड़े काम करने की तौफीक दे, आमीन। एक मिशन है अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और लोगों के लिए। तो ये शेर मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा जी के चाचा जी आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आए हैं तो कोई कविता सुनाएं, और कविता शायरी को कहते हैं। तो मैं थोड़ा एक्टर भी रहा हूँ तो मुझे आमद हो गई। वो शेर मैं यहाँ आपको सुनाना चाहता हूँ कि ख्वाहिश करने से गिरते नहीं फल झोली, ख्वाहिश करने से गिरते नहीं फल झोली में, वक्त की टहनी को तादेर खलाना होगा, कुछ नहीं होगा खदेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही। और ये हिस्से का काम करके बीलों को हमें ऊपर लेके जाना होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये तो मेरे ये गुंबदे खिजरा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहां परचम है, जिसकी वजह से चाचा के निकट जहाँ भी जाते हैं अल्लाह की रहमत से उसके परस्तार मिल जाते हैं। तो मैं जो भी मेरे मिशन में हिस्सा डाल रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।